सोमवार को करे यह पांच दान होगा माँ कल्याण। सोमवार का दिन शिव जी का दिन होता है। यह बड़े दयालु होते हैं, जरा सी भक्ति से मान जाते हैं। जब भी आप घर पर कोई मुसीबत आती है तो पंडित जी लोग भी यही कहते हैं कि शिव जी की शरण में जाएं। यदि आप सोमवार के दिन इन चीज़ों का दान करते हैं तो ना जाने कितनी मुसीबतों से आप जीवन से ख़त्म कर सकते हैं। आपकी मुश्किल से मुश्किल काम भी बन जाएंगे। यह पांच चीज़ें हैं जिनका आपको दान करना है। नमक, सोमवार के दिन आपको नमक का दान करना है। नमक का दान आपको कभी सीधे हाथ नहीं करना है, क्योंकि नमक को कभी भी हाथ में रखकर न देना चाहिए और न ही लेना चाहिए। नमक का दान करने के लिए जिसको आप नमक का दान कर रहे हैं उसके साइड में नमक का पैकेट रख दो। ऐसा करने से जो भी कारोबार में बाधा आ रही है वह बाधा दूर हो जाएगी। नमक से नेगेटिविटी दूर होती है, कोई बुरी भला हो वह दूर हो जाती है। गुड़ का दान, गुड़ का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच यदि तलाक की नौबत हो तो वह भी मिठास में बदल जाती है। यदि गर्मी के मौसम में गुड़ का दान ना करना चाहो तो चीनी का दान कर सकते हो। सफ़ेद तिल का दान, अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम होता है या बिजनेस की डीलिंग करते समय डीलिंग नहीं कर पाते हैं, हिचकिचाते हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और आपको जॉब नहीं मिलती, ऐसी स्थिति में सोमवार के दिन सफ़ेद तिल का दान कर दो। ऐसा करने से आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। गाय के घी का दान, सोमवार के दिन गाय के घी का दान करने से बीमारियां दूर होती है। घी का दान उस व्यक्ति के हाथ से कराएं जो बीमार है। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अनाज, अनाज का दान सबसे बड़ा होता है। अनाज में आप गेहूं, चावल, बाजरा, दलिया, किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। यदि यह दान नहीं कर सकते हैं तो बिस्किट, छोटा सा नमकीन का पैकेट, ब्रेड, मक्खन, यह दान कर सकते। यदि आप इन चीज़ों का दान करोगे तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपकी किस्मत निखर जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।